आदिदेव, महादेव, माता पार्वती, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें, उन्हें शिव कोप से नष्ट होने से बचाएं, दया करें करुणामय, दया करें। अर्थात आज चंद्रदेव ने तुम्हें इस विषय में सब कुछ बता दिया। माता पार्वती, मेरे सुहाग की रक्षा करें, मैं आपके चरण छूती हूँ, मेरी वेदना आप समझ सकती हैं। धैर्य धारण करो रोहिणी। रोहिणी, यदि हमें चंद्र को दंडित करना ही होता तो हम यहाँ कदापि प्रकट नहीं होते। समुद्र मंथन के पश्चात चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण करते समय हमने इन्हें चंद्रशेखर बने रहने का वचन दिया था। वो वचन हम निभाएंगे रोहिणी, तुम निश्चिंत रहो। आप सचमुच महान हैं देवादिदेव। परंतु इस समय चंद्र को शपथ लेनी होगी कि यह अपनी चंचलता को वश में रखेगा और किसी पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। मैं शपथ लेता हूँ प्रभु, सच्चे हृदय से शपथ लेता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त सभी नारियां मेरे लिए माता व बहन समान होंगी। अब मेरे अपराध को क्षमा करके पुनः मुझे अपने शीश पर धारण कीजिए भोलेनाथ। देवी पार्वती, चंद्रदेव के प्रति तुम्हारा रोष शांत हुआ या नहीं? स्वामी, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, जिसे आप क्षमा कर दें उस पर रोष मैं कैसे कर सकती हूँ? चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान सुशोभित करें। मैं जन्म जन्म तक आपके भारी रहूंगी शिव शंकर। आप सचमुच धन्य हैं, सचमुच धन्य हैं आप देवादिदेव, महादेव। ज्ञान के भेद से कभी त्रिगुणात्मक त्रिकोण हो, कभी चतुष्धर्मा चतुष्कोण हो, तो कभी अनंतता के चक्र में विद्यमान पृथ्वी जैसा गोलाकार हो, मैं ओंकार हूं। शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण प्रदान करने वाले परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर शिव के कल्याण स्वरूप की उपासना सिद्ध साधकों सर्वसाधारण आस्तिक जनों के लिए परम मंगलमय कल्याणकारी एवं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव समस्त देवों के भी पूजनीय है, इसी कारण उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। अजन्मे, अनंत, अलौकिक, अविनाशी, अद्वितीय विश्वेश्वर शिव ही अनाथों के नाथ विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? स्वामी, ये करुण स्वर किस दुखी नारी का है? आज तो तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रही हो, क्या हमारे उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं करोगी? पहले अपने पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनो। हाँ स्वामी, आज आपको अचानक रात्रि में गगन विहार करने की इच्छा कैसे हुई? तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए? हाँ, तुम ही तो बार बार कहती रहती हो कि कैलाश में बैठे बैठे तुम्हारा मन उबने लगता है, कहती हो या नहीं? कहती हूँ, परंतु
रात्रि में गगन विहार के लिए मैंने कभी नहीं कहा। आज रात्रि में गगन विहार करने का एक विशेष उद्देश्य भी। क्या है वो उद्देश्य? ये करूँ, नारीश्वर सुन रही हूँ। सुन रही हूँ स्वामी, इसीलिए तो आपसे इस विषय में पूछा था। कौन है ये दुखी नारी? तारा मंडल में रहने वाली बुध ग्रह की माता तारा। क्या दुख है इसे? ये बार बार करुण स्वर में आपको क्यों पुकार रही है? उसके हृदय की वेदना है वो पाप, जो निरंतर उसके मन में एक कांटे के समान चुभ रहा है। क्या पाप किया है इसने? वो तो तुम्हें कुछ ही समय के पश्चात स्वयं ज्ञात हो जाए। इस समय तारा तारा मंडल में रहकर एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है। स्वामी, स्वामी, अचानक आपके मस्तक से चंद्रदेव अदृश्य क्यों हो गए? उत्तर दे स्वामी, चंद्रदेव ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था, आज उन्हें क्या हुआ? सब कुछ अभी ज्ञात करने की इच्छुक हो, यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करोगी तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तारा के पाप का अपराधी चंद्र है। तारा के पाप के अपराधी चंद्रदेव? हाँ, हमारे कोप के भय से चंद्रदेव यहाँ से अदृश्य होकर चंद्रबिंब में जा चुके हैं। चंद्रशेखर शिव अब क्या चंद्र के बिना रहेंगे? नहीं, चंद्रदेव हमारे मस्तक से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते, उन्हें अपने स्थान पर लौटने के लिए विवश होना होगा। अचानक क्या हो गया स्वामी? आप भगवान शिव का शीश छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? मुझे भगवान शिव के कोप का भय है रोहिणी। भय? कैसा भय? आपने क्या किया है स्वामी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, इस समय तो मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मैंने जब जब आपका स्मरण किया, आप भगवान शिव का मस्तक छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आए। मैं अकेली ही आपके वियोग में तड़पती रही, परंतु आज अचानक ऐसी क्या अनहोनी हो गई स्वामी? बताएं मुझे स्वामी। बताऊंगा रोहिणी, सब कुछ बताऊंगा, परंतु इस समय मुझसे कोई प्रश्न ना करो। शांत रहो रोहिणी, शांत रहो, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो रोहिणी। ये करुण पुकार मेरे हृदय को बींध रही है। बताओ माता, क्या दुख है तुम्हें? पुत्र बुध। हाँ माता, बताओ मुझे, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ माता, क्या है तुम्हारी इस वेदना का कारण? मैं तुम्हारे ये आंसू नहीं देख सकता माता, तुम्हें बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। यह वेदना मुझे अकेली ही सहनी होगी पुत्र। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है, उसका परिणाम मुझे अकेली भुगतना होगा, इसलिए मैं अकेली अपने पाप का प्रायश्चित करूंगी। बताओ माता, ऐसा कौन सा पाप किया है तुमने? क्या तुम ये रहस्य अपने पुत्र से भी छुपाने की इच्छुक हो? यह ऐसा अपराध है जो कोई माता अपने पुत्र को नहीं बता सकती। मुझे अकेले छोड़ दो पुत्र। यदि करुणामय भगवान शिव शंकर तक मेरी ये पुकार पहुंचेगी, तो वह अवश्य ही मेरे अपराध की अग्नि शांत करेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे इसी प्रकार पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना होगा। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास किया,
परंतु तुम इस विषय में सदा मौन रही। क्या तुम्हें अपने पुत्र की वेदना पर विचार नहीं आता माता? पुत्र जब अपनी माता को वेदना और दुख से विह्वल देखता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, क्या इसका ध्यान तुम्हें नहीं होता? मुझे बताओ माता, मैं भी तुम्हारे साथ शिव आराधना करते हुए तुम्हारे प्रायश्चित में सहभागी बनूंगा। नहीं पुत्र, प्रायश्चित पाप करने वालों को अकेले ही करना पड़ता है, कोई इसमें सहभागी नहीं हो सकता। आज मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगा कि ऐसा कौन सा कांटा है जो तुम्हारे हृदय को निरंतर पीड़ित करता रहता है। आज ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा माता। तारा का करुण स्वर अचानक थम क्यों गया स्वामी? ये जानने के लिए हमें स्वयं तारा के पास जाना होगा। हमें उसकी करुण पुकार का उत्तर भी तो देना है देवी। तो चले स्वामी, तारा की करुण कथा सुनने के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ। चलो देवी। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ माता। कृपा करके मुझे उस सत्य का ज्ञान कराओ जिसे अब तक आपने अपने आंसुओं में छुपा रखा है। नहीं पुत्र, नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं तुम्हें उस कटु सत्य का ज्ञान कराऊं। तारा, माता, माता, मुझे इस पाप बंधन से मुक्त करो माता। मैं ये यातना अब और सहन नहीं कर सकती। धैर्य धारण करो देवी तारा, उठो। हम दोनों तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? भगवान भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है माता। मैंने अपने पति के विरुद्ध ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यही पाप मेरे हृदय में काटे के समान मुझे बार बार पीड़ित करता रहता है। देवी तारा, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसके प्रायश्चित का विधान न हो। तुम्हारे इस पाप में तुम अकेली नहीं थी। हमारे द्वारा बार बार रक्षित होने वाले, हमारे शीश की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव भी तुम्हारे साथ इस पाप में सम्मिलित थे। प्रणाम। परंतु इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता प्रभु शिव शंकर। तारा, पहले हमें विस्तार से बताओ, तुम जिस पाप से इतनी पीड़ित हो रही हो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तारा, देवी पार्वती को वो सब कुछ बता दो। पाप को प्रकाशित करने से पाप का अंधेरा कुछ कम हो जाता है, हृदय का भार हल्का हो जाता है। जब अत्रि अनसुया का पुत्र सुकुमार चंद्र मेरे स्वामी बृहस्पति के पास शिक्षा ग्रहण करने आया तो प्रथम दृष्टि में मेरा चंचल मन चंद्र की सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गया। चंद्र तो चंचल था ही और उसका मन भी मेरे रूप में उलझ गया और ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम नमः शिवाय। Oh, 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 oh,
इस प्रकार चंचल चंद्र के प्रथम दृष्टि प्रेम मिलन से मैंने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया है अपितु अपने सतीत्व को भी कलंकित किया है, जिसका परिणाम है तुम्हारा ये निर्दोष पुत्र बुध। नहीं माता श्री, ऐसा न कहो। सारा संसार जानता है कि मैं देवगुरु बृहस्पति और देवी तारा का पुत्र बुध हूं। ये सुनकर मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो रहा है माता। कह दो कि ये सत्य है, कह दो माता कि ये सत्य है। शांत हो जाओ बुध। तुम्हारी माता ने जिस सत्य को स्वीकार कर लिया है, उस सत्य को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। और सच पूछा जाए तो यह सत्य अब सब पर उजागर हो गया है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? क्या यह सत्य सब पर उजागर हो गया है? तुम्हारा जनक चंद्र इसी कारण हमसे भयभीत होकर चंद्र बिंब में जा छुपा है। भोलेनाथ, आपसे तो यह सत्य छुपा नहीं था, फिर आपने चंद्र को दंडित क्यों नहीं किया? क्या तुम चंद्र का स्वभाव नहीं जानती देवी? यदि हम चंद्र को अपने शीश पर धारण नहीं करते तो चंचल चंद्र न जाने ऐसी कितनी कथाओं को जन्म देता। परंतु अपराधी का दंडित होना उचित है स्वामी, क्या आपने उसे इस विषय में प्रताड़ित भी नहीं किया? चंचल चंद्र हमारे नेत्रों की भाषा समझता है देवी। नहीं स्वामी, चंद्र आपकी करुणा का अनुचित लाभ उठा रहा है, आपका उसे दंडित करना ही उचित है। जिसका स्वभाव ही चंचल और असंयमी हो उसे हम दंडित कब तक करते देवी? दक्ष प्रजापति द्वारा शापित होने पर हमने उसे रोग मुक्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। श्री गणेश द्वारा शापित होने पर तुमने उस पर करुणा की। परंतु फिर भी अपराधी चंद्र को आप नियमित रूप से शीर्ष पर धारण किए रहे। मैं तो कहती हूँ आपको सदा सदा के लिए चंद्र का त्याग कर देना ही उचित होगा। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले चंद्र को अपने शीश पर धारण करके चंद्रशेखर बने रहने का वचन जो हमने दिया था, हम उसी वचन का निर्वाह कर रहे हैं देवी। परंतु आज देखिए, निर्लज्ज चंद्र स्वयं आपके शीश से भाग निकला। निर्लज्ज हो या पतित, कलंकित हो या अपराधी, चंद्र का साथ निभाने का वचन हम निभाते रहेंगे देवी। परंतु जिस अपराधी चंद्र ने मेरी माता की पवित्रता को खंडित किया, उससे मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा भोलेनाथ। मैं उसे शापित करके उसे प्रताड़ित करूंगा, उसे उसकी निर्लज्जता का दंड अवश्य दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे बुध। अपराधी होते हुए भी चंद्र तुम्हारा जनक है और जन्म धात्री माता के समान ही आदरणीय है। वैसे भी शाप देने की शक्ति कठोर तपस्या से प्राप्त होती है। इस समय तुम शाप देने की स्थिति में नहीं हो, इसीलिए चंद्र को शाप देकर प्रताड़ित करने का विचार त्याग दो। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? आज जो पीड़ित सत्य मेरे सामने आया है, क्या उसके अनुताप से मैं अपनी माता के समान व्याकुल रहूंगा? मुझे इस व्याकुलता से मुक्ति दिलाए भोलेनाथ। धन्य है देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी चंद्र और तारा को शाप नहीं दिया। इस महानता के कारण ही तो बृहस्पति ने देवगुरु का पद प्राप्त किया है। मन ही मन सुलगता ये ताप क्या किसी शाप से कम है देवाधिदेव? इस ताप का भी अंत हो सकता है तारा। कैसे प्रभु? तुम अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर देंगे। नहीं नहीं शिवशंकर, उन्हें अपना मुंह दिखाने का साहस मुझ में नहीं है। मैं क्या मुंह लेकर उनके समक्ष जाऊंगी? देव गुरु बृहस्पति के समक्ष मैं तुम्हें लेके चलूंगा माता। भगवान शिव के आदेश का पालन करना हमारा परम धर्म है। विशाल हृदय देवगुरु बृहस्पति
तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे तारा। अपने पुत्र को लेकर तुम उनके पास जाओ, वृथा संकोच न करो। तुम्हारे दोष मुक्त न होने का एक कारण ये भी है कि अब तक तुम संकोचवश उनसे दूर रही। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा की अवहेलना हम नहीं कर सकते। माता, हमें देवगुरु बृहस्पति के समक्ष जाना ही होगा। जो आज्ञा देवाधिदेव, माता पार्वती तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, आप अपने भय का कारण मुझे बताते क्यों नहीं? भगवान शिव शंकर से आपको किस बात का भय है? अर्थात आप मुझे इस योग्य नहीं समझते कि आप अपने मन की व्यथा मुझसे कह सकें। मैं आपकी धर्म पत्नी ही नहीं, मैं आपकी सबसे प्रिय पत्नी हूँ। मुझसे कोई बात आप कब तक छुपाएंगे? क्या तुम उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दोगी? मैं अपने आप को बहुत लज्जित अनुभव कर रहा हूँ रोहिणी। मेरा साहस मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ रोहिणी, मैं क्या करूँ? मैं आपकी सेहत धर्मिणी हूँ। आपके हर अच्छे बुरे कार्य के परिणाम में साथ देना मेरा धर्म है। आप मुझसे कुछ न छुपाएं, सब कुछ स्पष्ट कह दें। रोहिणी, कहते हैं गुरु पत्नी माता के समान होती है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि गुरु के समान गुरु पत्नी का स्थान भी उतना ही पूजनीय होता है। जब मैंने अपनी गुरु पत्नी को वासना की दृष्टि से देखा, तब मेरा मन कितना पतित हुआ होगा रोहिणी, इसकी कल्पना तुम कर सकती हो? आप किस गुरु पत्नी की बात कर रहे हैं? कौन थी आपकी गुरु पत्नी? इस विषय में आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने जानबूझकर तुम्हें इस पतित प्रकरण के विषय में कुछ नहीं बताया रोहिणी। मैं ही अपराधी था, और एक अपराधी अपने अपराध को छुपाए बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी गुरु पत्नी का नाम बताएं स्वामी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगी, सच्ची धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाऊंगी। मेरी गुरु पत्नी का नाम है देव गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी देवी तारा, और उस अपराध का कलंक मैं तब से लेकर अब तक ढोता आ रहा हूँ। ये अनैतिक और अनुचित कार्य करके आपने देवत्व की सारी मर्यादाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आपकी गणना तो देवताओं में होती है, एक देव को क्या ये कुकृत्य शोभा देता है? मैं जानता था रोहिणी, मैं जानता था कि यह सब जानकर तुम भी मुझे घृणा की दृष्टि से देखोगी, और इसीलिए यह अपराध मैं अब तक तुमसे छुपाए रहा। मैंने हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने का वचन दिया है, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगी। परंतु आश्चर्य है कि भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी आपको अपने शीश पर धारण किए रहे। भगवान शिव शंकर महान है रोहिणी, वे करुणा निधान हैं, परंतु आज भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सम्मुख जाने का मेरा साहस समाप्त हो गया है। अच्छा होता कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मैं तभी नष्ट हो जाता। देवाधिदेव, महादेव, माता पार्वती, मेरे पति के अपराध को क्षमा करें, उन्हें शिव कोप से नष्ट होने से बचाएं, दया करें करुणामय, दया करें। अर्थात आज चंद्रदेव ने तुम्हें इस विषय में सब कुछ बता दिया। माता पार्वती, मेरे सुहाग की रक्षा करें, मैं आपके चरण छूती हूँ, मेरी वेदना आप समझ सकती हैं। धैर्य धारण करो रोहिणी। रोहिणी, यदि हमें चंद्र को दंडित करना ही होता तो हम यहाँ कदापि प्रकट नहीं होते। समुद्र मंथन के पश्चात चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण करते समय हमने इन्हें चंद्रशेखर बने रहने का वचन दिया था, वो वचन हम निभाएंगे। रोहिणी, तुम निश्चिंत रहो। आप सचमुच महान हैं देवाधिदेव। परंतु इस समय
चंद्र को शपथ लेनी होगी कि यह अपनी चंचलता को वश में रखेगा और किसी पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। मैं शपथ लेता हूँ प्रभु, सच्चे हृदय से शपथ लेता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त सभी नारियां मेरे लिए माता व बहन समान होंगी। अब मेरे अपराध को क्षमा करके पुनः मुझे अपने शीश पर धारण कीजिए भोलेनाथ। देवी पार्वती, चंद्रदेव के प्रति तुम्हारा रोष शांत हुआ या नहीं? स्वामी, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, जिसे आप क्षमा कर दें उस पर रोष मैं कैसे कर सकती हूँ? चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान सुशोभित करें। मैं जन्म जन्म तक आपकी आभारी रहूंगी शिव शंकर, आप सचमुच धन्य हैं, सचमुच धन्य हैं आप देवादिदेव महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। तारा, तुम यहां? प्रणाम देवगुरु जी। देवगुरु बृहस्पति जी, मैं आपकी कृपा दृष्टि का आकांक्षी होकर यहाँ आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें ग्रहों के युवराज चंद्रपुत्र बुध हो ना? मैं चंद्रपुत्र अवश्य हूँ, परंतु मेरे धर्म पिता आप हैं। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। तुम संसार में चंद्रपुत्र बुध के रूप में ही विख्यात हो और रहोगे। स्वामी, माता पार्वती ने कहा है आप विशाल हृदय हैं, मेरा वह अक्षम्य अपराध आप अवश्य क्षमा कर देंगे और मेरे पुत्र बुध को स्नेह में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं जानती हूं आपको स्वामी कहने का अधिकार मैं खो बैठी हूं, किंतु यह भी जानती हूं कि आप महान हैं और आपकी महानता ने ही मेरा अपराध क्षमा करके मुझे शापित होने से बचा लिया। तारा, मेरा तुम्हारा संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुम चंद्र के मिथ्या मोह माया में फंस गई थी। उस दिन से तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए निरर्थक हो गया है। अब तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे अन्य कोई देवी। अब उन संबंधों की दुहाई न दो जो सदा सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए अपने पुत्र को लेकर लौट जाओ अपने तारामंडल को। धर्मपिता, इतने निर्मोही न बने, अपनी माता के पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। धर्मपिता, आप मुझे आदेश दें, माता के पाप की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। धर्मपिता, मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। धर्मपिता, नहीं छोड़ूंगा। मैं देव गुरु हूं बुध, एक ग्रह होने के नाते तुम मेरे लिए किसी अन्य देवता के समान ही हो। मुझ पर करुणा करें धर्मपिता, पुत्र नहीं तो धर्म पुत्र कहकर पुकारें। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा धर्मपिता। धर्म संस्कृति का यह नियम है कि जो व्यक्ति एक बार गुरु के चरण पकड़ लेता है गुरु उसके सामने विवश हो जाता है। तुम्हारी सच्ची भावना और मातृभक्ति देखकर मैं भी विवश हो गया।
मुझे अपराध मुक्ति का उपाय बताएं गुरुवर। मेरे चरण छोड़ो और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके सच्चे मन से प्रायश्चित का संकल्प करो। आप जो भी प्रायश्चित कहेंगे मैं उसे पूरा करने का संकल्प करता हूँ। माता की पाप मुक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वीलोक जाना होगा। पृथ्वीलोक? हाँ, वहां एक तपस्वी के रूप में तुम्हें शिव आराधना करनी होगी। उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ देवगुरु। तुम्हें एक तपस्वी के रूप में तब तक पृथ्वीलोक पर रहना पड़ेगा जब तक तुम एक महान पुत्र के पिता नहीं बन जाते। एक ऐसा पुत्र जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने पिता और माता के कलंक को नष्ट कर दे। एक तपस्वी रहते हुए मैं पुत्र का पिता बनूं, ये विचित्र बात कैसे संभव होगी गुरुवर? शिवलीला भी अति विचित्र होती है। शिवलीला ने ही तुम्हें यहां आने पर और मुझे दिव्य दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने दिव्य दृष्टि से क्या देखा? अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि इस असंभव से कार्य में तुम अवश्य सफल होगे और अपनी माता को पापों से मुक्त कर दो। पृथ्वी पर मुझे कहां जाना होगा देवगुरु? महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी महाराज इल के पास जाकर उनसे तपस्या करने के लिए काम्यक वन में तपोभूमि की याचना करो। काम्यक वन? हाँ, काम्यक वन। इसी काम्यक वन का एक क्षेत्र भविष्य में शिव पार्वती की लीला भूमि बनेगा। ये प्रेरणा हमें शिव आराधना से प्राप्त हुई। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करूंगा। मुझे आज्ञा दे स्वामी, जब तक मेरा पुत्र बुद्ध आपके आदेशानुसार प्रायश्चित में सफल नहीं होता, मैं इसकी सफलता के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती रहूंगी। हम भी बुद्ध की सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो।